बहराइच महिला जिला अस्पताल का एक मामला सामने आया है, जहां रिसिया इलाके की शंकरपुर निवासी कौशल मणि त्रिपाठी बुधवार को अपनी पत्नी सरिता को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करवाने लेकर आए थे। भर्ती करवाने की प्रक्रिया के दौरान जब उनकी पत्नी के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तो उन्होंने अस्पताल स्टाफ से भर्ती कर इलाज शुरू करने की बात कही, जिस पर उन्हें इस काउंटर से उस काउंटर की दौड़ लगवा दी गई। आरोप है कि प्रसूता फर्श पर पड़ी चीखती चिल्लाती रही, दर्द में तड़पती रही, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ उसके करीब नहीं आया। यहां तक कि उसने वहीं फर्श पर एक मासूम बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद उसे पर्याप्त इलाज न मिल पाने के कारण कुछ ही देर में बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमने जब इस मामले पे सीएमएस मधु गरुला से बात की, तो पहले तो उन्होंने मरे हुए बच्चे के पैदा होने की बात कही, साथ ही मजाक उड़ाते हुए कह डाला कि जब घर से निकलता हुआ बच्चा लाओगे तो बाहर ही होगा ना, और ये कहते हुए सीएमएस महोदया हंसती हुई चलती बनी। वो आदमी आया है, उसने ये कहा कि हमारी मरीज नीचे है, वो हॉस्पिटल में था ही नहीं, वो हॉस्पिटल के बाहर था और तुरंत उसको ओटी से स्ट्रेचर दिया गया। ओटी से बोल रहे हैं सर कि नीचे स्टूचू है, ऊपर स्टूचू, किसी ने सुना नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और आइए ना, स्ट्रेचर मैंने दिया है, आप मुझे बताते रहे हो यही बच्ची पैदा के ऊपर, तो मेरे पास कब आया है, अस्पताल के अंदर डिलीवरी हो रही है। अरे तो स्ट्रेचर लेने वो मेरे अस्पताल में डिलीवरी हो रही है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं, मेरी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, सेमस आप है, आपकी व्यवस्था नहीं, किसकी व्यवस्था है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, सेमस आप है, आपकी व्यवस्था नहीं, सब की व्यवस्था है, व्यवस्था आपकी है मैडम, आप मैंने ओटी के अंदर स्ट्रेचर दिया, आप नहीं थे, जो आदमी था उस आदमी को बुलाइए, वो आदमी हम में था, ओटी के अंदर से स्ट्रेचर मैं भी था, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ फर्श पे डिलीवरी होने का क्या मतलब है सर, फर्श पे डिलीवरी क्यों कराएंगे, अरे तो फर्श पे जब बच्चा निकल गया तो क्या गिरने दें, आपके पास जो है वो ओटी है, आपके पास कमरा है इमरजेंसी में, अरे तो मरीज का बच्चा निकल रहा था, उसको कहाँ निकालेंगे, बाहर कर गई, केवल जो है डिलीवरी फर्श पे, मेरा सड़ा बच्चा था, बच्चा नहीं था, मैसुरेटेड बच्चा है, सड़ा हुआ बच्चा, स्वस्थ बच्चा था, ये नहीं, ये बच्चा मरा सड़ा पैदा हुआ है बाहर पैदा हुआ है, क्योंकि ये लोग लेट आए हैं और इनको जब तक स्ट्रेचर लेके मरीज ऊपर शिफ्ट कराई जाती, इससे पहले बच्चा निकल गया तो हॉस्पिटल प्रीमिसेस में पैदा कराया गया, डॉक्टर आकांक्षा ड्यूटी पे थी, उन्होंने उसको देखा है और तुरंत उसको लेबर रूम में ले जाकर के सारा इलाज सुरक्षित किया गया। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे थे, अस्पताल में नहीं हुआ, हम घर से निकलते हैं, बच्चा लाओगे तो बाहर ही पैदा होगा, वो हमारे लड़की जो है उसी के लड़की पैदा होनी थी, उसको जो है यहाँ अस्पताल में लेकर आए और जो है उसको यहाँ पर्चा बनवाया गया, फिर यहाँ किसी स्टाफ के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला, उसकी जो डिलीवरी हुई बरामदे में हुई और बरामदे में डिलीवरी होने के कारण उसकी जो है बच्ची एक्सपायर कर गई, और जो है इसके बाद लाख प्रयास करने के बाद केमो और डॉक्टर और स्टाफ पूरा जो है उनको यहाँ से हमको डांटता रहा और झगड़ा करता रहा। नहीं, बरामदे में हुई या फर्श पे डिलीवरी हुई? नहीं, बरामदे में हुई, फर्श पे। अच्छा, फर्श पे डिलीवरी? फर्श पे डिलीवरी हो गई और सब लोगों के सामने हो गई, कोई देखने वाला नहीं। बच्ची की क्या क्या पोजीशन है? बच्ची की एक्सपायर हो गई। यहाँ पे हम लेके आए, ना कोई मेरा डॉक्टर सुनवाई हुआ, ना कुछ, मेरे डिलीवरी नॉर्मल फर्स्ट हो गई। यहाँ पे जब ऊपर आते बोल रहे नीचे जाओ तो बोल रहे ऊपर जाओ, ना कोई एनएम, ना कोई डॉक्टर, कोई यहाँ पे मेरी सुनवाई ही नहीं हो रही। डीएम के पास हमने फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिप्लेस नहीं हुआ। किसके पास फ़ोन किया था? डीएम के पास, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई, बातचीत हुआ उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मैं जन्म ली फर्स्ट पे नीचे, वही पे स्पायर थी, उसके 10-15 मिनट बाद यहाँ पे नर्स लोग आए, उसके बाद मुझे यहाँ पे लेके गए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई डॉक्टर सुना नहीं, पूरे फर्श पे लेटे वहीं हड्डियाँ मरी हुई, उसके बाद में आशा लेकर आई, यहाँ कोई डॉक्टर ने सुना नहीं। जिस समय आप आई थी उस समय कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद था या नहीं मौजूद था? नहीं था मौजूद, नीचे था मौजूद डॉक्टर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।